आपुली अभिलाषा सडतोड भाषा सर्व सामान्यांचा विचार भ्रष्टाचाराचा कर्दन काळ सामाजिक बांधिलकी शिक्षण कला साहित्य राजकीय धार्मिक हित रक्षणासाठी आला ऍक्टिव्ह मराठी चॅनल आला ऍक्टिव्ह मराठी चॅनल नमस्कार ऍक्टिव्ह मराठी न्यूज चॅनल मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत नगर मधील सावेडीतील श्री अयप्पा मंदिरात 60 दिवसांच्या मंडल मकर पूजा उत्सवाची सांगता मकर पिलक्कू उत्सवाने झाली असून या निमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते तर 2 महिने रोज पूजा महाप्रसाद संपन्न झाला. भाविकाची श्रद्धा असलेले अयप्पाचे मंदिर केरळमधील शबरीमळा येथे असून त्या मुख्य उत्सवाचा धरतीवर नगरमध्ये हा उत्सव साजरा केला जातो. उत्सवानिमित्त पहाटे महागणपती हवन करण्यात येऊन संध्या श्रमिक नगरमधील बालाजी मंदिर ते अयप्पा मंदिर अशी सावेडीतून भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली होती. महिला मोती कलरच्या साड्या परिधान करून हातात फुलांनी सजवलेली छोटी छोटी ताट व त्यामध्ये अर्धा नारळात दिवा असतो ही तालापोल्ली पाहण्यासाठी नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी केली होती तर मंदिर परिसर फुलांनी व दिव्यांनी सजवण्यात आले होते. संध्याकाळी 7 वाजता दीप आराधना करण्यात येऊन देवाची आरती व पुष्पाभिषेक करण्यात आला. यावेळी ट्रस्टचे संस्थापक व अध्यक्ष के शेट्टी व विश्वस्त शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबू शेठ टायरवाले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संपत बारसकर माननीय नगरसेवक डॉक्टर सागर बोरुडे वाल्मिक कुलकर्णी आदी मान्यवरांसह भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. नंतर भाविकांना महाप्रसाद देण्यात आले व 60 दिवसाच्या उत्सवाची सांगता झाली. प्रतिनिधी महेश कांबळे ऍक्टिव्ह मराठी न्यूज अहमद. स्वामी ये शरणम अयप्पा. मैं सावेडी स्थित अयप्पा सेवा मंदिर की तरफ से मैं बोल रही हूँ. ये मंदिर 31 ईयर्स से ये मंदिर स्थापित हुआ है और यहाँ के प्रेसिडेंट के शेट्टी है. 31 ईयर्स से मैं उनकी मिसेस विनया शेट्टी बोल रही हूँ. यहाँ पर नवंबर 14 से लेके जनवरी 14 तक 2 महीने का उत्सव रहता है यहाँ पर, जो जिसमें रोज़ अन्नदान हम गरीबों को और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग जहाँ आते हैं अब यहाँ रोज़ उसका अन्नदान रहता है. उसका टाइमिंग रहता है शाम को 8 बजे से 8:30 बजे तक का. इसमें बहुत सारे लोग अपने तरफ से यहाँ पर अन्नदान करने का कोशिश करते हैं. 2 महीना भी यहाँ पर फुल लोगों से ये मंदिर भरा हुआ रहता है. और 26 दिसंबर इस यहाँ पर एक मंडल पूजा आयोजित होता है. उस मंडल पूजा के आयोजन पर भी यहाँ पर ये हमारा अयप्पा मंदिर का बहुत बड़ा पूजा रहता है, जिससे कहाँ काफ़ी मतलब हज़ारों लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक यहाँ पर आते हैं. काफ़ी लोगों का यहाँ पर योगदान है इसमें. और 14 मकर संक्रांति वो दिन भी यहाँ का बहुत महत्व दिन है. उस दिन भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भक्तगण आते हैं और यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया शांत माहौल है, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर आना
पसंद करते हैं। और हमारा यहाँ भाग्य है कि 31 ईयर से हम ये मंदिर को बहुत अच्छे से, मंदिर के दूसरे ट्रस्ट, दूसरे कमिटी मेंबर्स लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छा अपना योगदान करते हैं, काफ़ी सारे, उन सभी के योगदान के वजह से ये मंदिर बहुत अच्छे से चल रहा है। आज भी बहुत सारा गर्दी है यहाँ पर, 2-3 हज़ार लोग यहाँ पर हाज खाने पर आए हैं। और 14 जनवरी और 26 दिसंबर को, इस दो दिन यहाँ पर हम प्रोसेशन रखते हैं अयप्पा भगवान का, जो हम लोग यहाँ पर नगर के पुलिस कॉलोनी से हमारे अयप्पा मंदिर तक हम चलकर लोग दिया लेकर, लेडीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और आगे भी हम चाहते हैं कि और भी इस मंदिर में लोग आना चाहिए, और भी यहाँ मंदिर का लोगों का डिवोशन और भी अच्छी तरह होना चाहिए। और नगर के सभी नगर निवासियों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ एक बार सब ये मंदिर में विजिट कीजिए और यहाँ का प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर आइए, ये मेरा विनंती है सभी लोगों से। स्वामी शरण, ब्यूरो रिपोर्ट, एक्टिव मराठी न्यूज़, अहमदनगर।